अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आजादी के बाद पहली बार महिला छात्र संघ अध्यक्ष बनकर ऋचा सिंह ने जितना बड़ा इतिहास रचा उतने ही बड़े विवादों में वह घिर भी गई है। ऋचा सिंह पर फर्जी तरीके से दाखिला लेने का आरोप है। छात्र नेता रजनीश ने यह आरोप लगाया है जिसकी जांच हुई और प्रोफेसर ए सत्यनारायण की जांच में यह खुलासा हुआ कि आरक्षण नियमों की अनदेखी कर शोध छात्रा को प्रवेश दिया गया। फिलहाल प्रोफेसर ने कुलपति को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ऐसे में प्रवेश निरस्त हुआ तो ऋचा सिंह को अध्यक्ष की कुर्सी भी गंवानी पड़ सकती है। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जो एडमिशन था वही गलत तरीके से लिया गया है, इस बात का खुलासा हुआ है। मामले की जांच हुई और जांच में भी यही सत्य निकलकर आया। प्रोफेसर ए सत्यनारायण की जांच में ये खुलासा हुआ है और अगर उनका एडमिशन निरस्त किया जाता है तो फिर अध्यक्ष की कुर्सी भी ऋचा सिंह को गंवानी पड़ सकती है। छात्र संघ अध्यक्ष पद से ऋचा को हाथ धोना पड़ सकता है क्योंकि उनके एडमिशन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जानकारी के साथ, शिव मोहन शुक्ला। शिव, क्या पूरा मामला है? देखिए, विवादों में है छात्र संघ के अध्यक्ष ऋचा सिंह, उन पर आरोप लगे हैं। वो भी आरोप इस तरह से लगे हैं कि फर्जी ढंग से उनको आरक्षण नियमों की अनदेखी करते हुए दो सौ छात्रों के साथ इनको एडमिशन दिया गया, इनको प्रवेश दिया गया और जब प्रवेश दिया गया तो आरक्षण नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई। फिलहाल ये मामला छात्र संघ के जो पूर्व प्रत्याशी थे और जदयू प्रत्याशी थे रजनीश सिंह, उन्होंने उठाया। उसके बाद जांच की गई। जांच करके बाद ए सत्यनारायण ने जब जांच रिपोर्ट सौंपी तो इसमें साफ हो गया कि रोस्टर नियमों को ताक पर रख करके एडमिशन किया गया। जी बिल्कुल, शेवा बन रही हमारे साथ। तो बता दें, एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसमें ऋचा को अध्यक्ष पद की जो कुर्सी है वो भी गंवानी पड़ सकती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा लगातार मुझे पिछले 6 महीने से मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया जा रहा है। रोज मुझे ये एक नोटिस थमा देते हैं, रोज ये मेरे कार्यों पर सवाल उठाने का प्रयास करते हैं और उसी क्रम में अब ये मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बाहर करने के लिए या फिर मेरे ऊपर कार्रवाई करने के लिए मेरे एडमिशन प्रक्रिया पर सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि उसमें कुछ अनियमितताएं हैं। क्योंकि सही बात तो यह कि मेरी एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरीके से सही तरीके से हुई है, उसमें कोई अनियमितता नहीं है और अगर कुछ हुआ भी है तो वो यूनिवर्सिटी अपने एंड से देखे। परिलक्षित था कि ऋचा सिंह ने एक ओबीसी छात्र का हक छीना है, ओबीसी के छात्र का हक छीन के उन्होंने अपना प्रवेश लिया है। ऋचा सिंह जो समाजवादी पार्टी से हैं, एचओडी के साथ दबाव बनवाकर अपना प्रवेश ले ली, जो इनका एक अमानवीय कृत्य है जिसका पूरे छात्र संघ के चारों पदाधिकारियों पूरे छात्र समुदाय में काफी रोष है और इसकी हम सब घोर निंदा करते हैं। और हमारे साथ खुद फोन लाइन पर ऋचा सिंह जुड़ चुकी है। ऋचा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो आरोप आप पर ये लग रहे हैं फर्जी तरीके से दाखिले के, क्या ये आरोप है और कितनी सहमत है आप? ऋचा, आपको आवाज मिल पा रही है? ऋचा, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, ऋचा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन आपको बता दें कि आरोप ऋचा सिंह पर लगा है कि फर्जी तरीके से उन्होंने दाखिला लिया है। छात्र नेता रजनीश ने यह आरोप उन पर लगाए हैं जिसकी जांच भी हुई और प्रोफेसर ए सत्यनारायण की जांच में यह खुलासा भी हुआ है कि आरक्षण नियमों की अनदेखी कर शोध छात्रा को प्रवेश दिया गया है। फिलहाल प्रोफेसर ने अपनी जांच रिपोर्ट को कुलपति को सौंप दिया है और अगर ऐसे में प्रवेश निरस्त होता है तो ऋचा सिंह को अध्यक्ष की कुर्सी भी गंवानी पड़ सकती है। तो आजादी के बाद पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ऋचा सिंह, लेकिन उतना ही बड़ा फर्जीवाड़ा भी सामने आ रहा है। दाखिले को लेकर सवाल खड़े हुए हैं और छात्र ने ही सवाल खड़े किए हैं और जब प्रोफेसर ए सत्यनारायण ने इसकी जांच की तो कुछ अहम खुलासे इस जांच रिपोर्ट में हुए और जांच रिपोर्ट को कुलपति को भी सौंप दिया गया है और अगर ऐसे में दाखिला निरस्त होता है तो ऋचा को अध्यक्ष की कुर्सी भी गंवानी पड़ सकती है। तो आपको बता दें कि आजादी के बाद पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ऋचा सिंह, इतिहास रचा था लेकिन विवादों में घिरती हुई वो नजर आ रही हैं। फर्जी तरीके से दाखिला लेने का आरोप ऋचा सिंह पर लगा है और जो जांच इस पर बिठाई गई प्रोफेसर ए सत्यनारायण की रिपोर्ट में भी ये खुलासा हुआ है और इस जांच रिपोर्ट को कुलपति को सौंप भी दिया गया है और ऐसे में अगर उनका जो एडमिशन है वो निरस्त होता है, दाखिला निरस्त होता है तो उनको अध्यक्ष पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो आरक्षण नियमों की अनदेखी कर रिसर्च कर रही छात्रा का एडमिशन हुआ, दाखिला हुआ, ये खुलासा
उस जांच रिपोर्ट में हुआ है जो प्रोफेसर ए सत्यनारायण ने की। और एक बार हमारे साथ फिर से ऋचा सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ऋचा, ये आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं कि फर्जी तरीके से आपका दाखिला हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी एडमिशन छात्र खुद नहीं करता, वो विश्वविद्यालय करता है। पहली बात, दूसरी बात ये है कि एडमिशन का मामला नहीं है, ये राजनीति का मामला है जो की इलाहाबाद विश्वविद्यालय पिछले 6 महीनों से लगातार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कैंपस का अधिवक्ता सांसद की गलत उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप की है उसके खिलाफ सवाल उठा रही है। और साथ ही साथ देश में जिस तरीके से एक माहौल बन रहा है और उसमें एबीवीपी के खिलाफ मैं आवाज उठा रही हूँ, उसके मुझे हैदराबाद और जेएनयू के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऋषा को टारगेट किया गया है, ये इस बात का मामला है। और ये एडमिशन की तो बात ही नहीं, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अब तक मुझ पर कम से कम 4 से 5 कमेटी बनवाई जा चुकी है, मुझे रोज एक नोटिस दे दी जाती है। अगर बनाना शुरू करूँ तो कभी ये लोग मेरे इलेक्शन से कमेटी बना देते हैं जिसमें कहते हैं कि बाद में कोई गलती नहीं निकली, कभी ये मेरे पर डिस्क्रिमिनेशन की नोटिस मुझे एसडी के थ्रू भिजवा देते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक आम छात्र जिस पर 308 की FIR है, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये कहता है कि ऋचा नक्सली है और वाइस चांसलर उसको फॉरवर्ड कर देते हैं लेटर को जिसमें मुझे साफ साफ नक्सली कहा गया है और मेरे आने और जाने का समय पूछ के मेरी निजता का हनन किया जा रहा है। तो ये तो लगातार पॉलिटिकल मामला है। और चूंकि हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लेकिन जांच उस पर बिठाई गई थी, उस जांच में भी यही खुलासा हुआ है। जी बिल्कुल, कोई जांच का खुलासा है। अच्छा, एक चीज और भी टेक्निकलिटी है, एक सत्यनारायण क्योंकि डीन ऑफ आर्ट है, वो इस विषय की क्यों जांच करेंगे जबकि ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज का सेंटर IIDS में आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज, तो IIDS के डीन को दिया जाता, IIDS के कोऑर्डिनेटर को दिया जाता, सत्यनारायण जी को क्यों दी गई? तो ये क्योंकि एक पूरी सोची समझी चाल है और ये मेंटल हैरेसमेंट का मामला बन रहा है। और मैंने MHRD को चिट्ठी लिख के भी कहा है कि ये मुझे मेंटली हैरेस किया जा रहा है 6 महीने को, और इसको हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे अगर इनको ये लगता है। और देखिए, ये एक और कोशिश है कि अगर किसी तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ को अध्यक्ष मानसिक उत्पीड़न हो रहा था 6 महीने, आप बोल रही है कि मानसिक उत्पीड़न आपके साथ हो रहा था, तो आपने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 6 महीने से आवाज उठा रही हूँ, लेकिन मेरी किसी आवाज से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर वाइस चांसलर के पास मेरी 3 से 4 चिट्ठियां पड़ी हुई हैं जिसमें मैंने अपने ऊपर जो भी मेरे पर हमला किया गया ABVP के ऑफिस बेरर्स के द्वारा, जिसमें प्रॉक्टर भी शामिल थे, प्रॉक्टर के ऊपर भी FIR लगी हुई है, लेकिन उसके ऊपर कोई कमेटी नहीं बनी। आगे क्या कुछ कदम आप उठाएंगी? देखिए, हम लोग के पास तो लोकतांत्रिक ही तरीका है और हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। भले ही विश्वविद्यालय प्रशासन और सत्ता में बैठे लोग मजबूत हो सकते हैं, लेकिन छात्रों की आवाज इस समय पूरे देश में एकजुट हो रही है और हैदराबाद जेएनयू की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लड़ाई भी हम लोग पुरजोर मजबूती से लड़ेंगे और इस लड़ाई को भी हम जीत कर दिखाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋचा हमारे साथ बात करने के लिए।